इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर के इंदिरानगर में ग्वालियर से आए एक परिवार ने जमकर बवाल काटा। आरोपियों ने जान लेने की नीयत से फायरिंग की। वहीं 5 वर्षीय मासूम बेटियों का गला दबाकर हत्या की कोशिश की। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले वाले पहुंचे तो आरोपियों को कार छोड़कर भागना पड़ा। गोरखपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर अगवा करने, हत्या करने का प्रयास, धमकी, आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसमें जो लड़की पक्ष वाले हैं वो यहाँ इंदिरानगर के रहने वाले हैं और ससुराल पक्ष के लोग वहाँ ग्वालियर के हैं। ग्वालियर से आए हुए थे और बच्ची को ले जा रहे थे वो यहाँ से अपनी। इसी दौरान विवाद हुआ और विवाद के दौरान उन्होंने हवाई फायर किया। हवाई फायर करने पर यहाँ के काफ़ी लोग एकत्रित हो गए तो वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। कुछ यहाँ पे एक दो लोगों को चोटें भी आई हैं। मारपीट मतलब हवाई फायर से नहीं, अपितु तो अन्य कुछ हाथ में धरपकड़ करने में चोट आई है, तो उसमें हम MLC करा रहे हैं और केस दर्ज किया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भाजपा सरकार द्वारा की जा रही जनता के हितों की अनदेखी और नगर निगम की नाकामी के खिलाफ जिला कांग्रेस पूरी विधानसभा में पदयात्रा रैली निकालेगी, जिसमें भाजपा द्वारा की जा रही जनता के हितों की अनदेखी के बारे में लोगों को बताया जाएगा। डेंगू जबलपुर में ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में नहीं है, लेकिन सरकार नाम की चीज कहीं नजर नहीं आई। हम सरकार यदि नहीं करेगी तो कांग्रेस परिवार जैसा हम अपने एक एक वार्ड में अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इस प्रकार से खुद की व्यवस्थाओं के लिए भी निकलेंगे और सरकार को झंझकोर के जगाएंगे। 18 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह का आगमन जबलपुर हो रहा है। अमित शाह के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिला प्रशासन के साथ जबलपुर के सांसद लगातार बैठक कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सांसद राकेश सिंह का कहना है कि 18 सितंबर को गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री शामिल होंगे। देश की राजधानी दिल्ली में साबिया सैफी के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर आज जबलपुर शहर के हुसैनिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाला गया, साथ ही रद्दी चौकी में प्रदर्शन हुआ। हुसैनिया वेलफेयर सोसाइटी में घटना पर अपना आक्रोश जताते हुए सरकार से मांग की है कि इस देश में अब ऐसे सख्त कानून की आवश्यकता है जिससे ऐसा कृत्य करने वाले अपराधियों की रूह कांप उठे, उन्हें सीधे फांसी पर चढ़ाया जाए। आज हम लोगों ने दिल्ली में जो घटना हुई है उसके लिए प्रोटेस्ट किया है, भौराबाग से रद्दी चौकी तक कैंडल मार्च किया है और श्रद्धांजलि पेश की है और जो घटना हुई है उसका विरोध किया है, और हम चाहते हैं कि इस विरोध के द्वारा सरकार के कान में जू रहेंगे और कोई नया कानून लाए जिससे कि बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रेगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिंदू और मुस्लिम भारत माता की दो आंखें हैं, ये कहना है मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद का। जबलपुर में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल उनका स्वागत करने पहुंचा था। दोनों के बीच काफी देर तक कई मुद्दों पर बात हुई और दोनों के संस्कारधानी में भाईचारा और अमन का पैगाम दिया। मैं आज गुरुदेव के यहाँ आशीर्वाद लेने आया, गुरुदेव के दर्शन करने आया और जबलपुर संस्कारधानी में अमन चैन का संदेश देना चाहता हूँ कि गुरुजी और हम कोई अलग अलग नहीं है, भारत हम सभी का है। हम सभी को मिलकर अमन चैन का संदेश जनता तक, सभी लोगों तक पहुँचाना है और किसी भी तरह के फजूल में उपद्रव में नहीं फंसना है। समान विचारों का आदान प्रदान करते हैं, समान दृष्टि से विचरण करते हैं, समान खान पान होता है, तो ये इसको हम कहते हैं सामाजिक समरसता। ये सामाजिक समरसता जो भारतीय संस्कृति का मूल स्वर रहा है वो बरकरार रहना चाहिए। तो हम तो आज जब बैठे हैं तो इससे अंदाज लगा लीजिए
कि हम रहीम खान खाना की परंपरा को और अपने सूरदास की परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं, तुलसीदास की परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबका हृदय से स्वागत है। जबलपुर में आगामी दुर्गोत्सव समारोह को लेकर समितियां पशुपेश में हैं। इसी पशुपेश को लेकर बंग समाज के लोग जिला कलेक्टर से मिले और मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। बंगाली समाज आगामी दुर्गोत्सव को लेकर काफी चिंतित है। जबलपुर में 16 स्थानों पर बंग समाज के द्वारा दुर्गा पंडालों का निर्माण किया जाता है और वहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। बंग समाज ने दुर्गोत्सव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। जबलपुर में गणपति का जुलूस लेकर आए जूनियर डॉक्टरों का स्थानीय युवकों से विवाद हो गया। मामला इतना बड़ा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच जूनियर डॉक्टरों पर चाकू से हमला हो गया। इस हमले में 4 जूनियर डॉक्टर घायल हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं लगी हैं, जबकि पीड़ितों के साथियों ने सभी घायलों को आईसीयू में एडमिट होने का दावा किया है। उनका कहना है कि एक जूनियर चिकित्सक के पेट में चाकू लगने से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इधर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। 4 बंदे उनको चाकू लगी है, फिर मैं दौड़ने गया था वहां पे, तो मेरे पेट के यहाँ से चाकू निकला एकदम, मैं बचा हूँ चाकू से, और चाकू की धार इतनी बड़ी थी, मतलब अच्छा खासा बड़ा चाकू था। कौन लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं, कुछ पता नहीं है, आके बस हमको मारना शुरू करा। पैदल आए थे गाड़ियों में, यहाँ तो पैदल थे, गाड़ियाँ दूर खड़ी थी, फिर जब हमारे लोग आए बचाने के लिए तो वो लोग डर के यहाँ से भग गए मड़िया तरफ। एक गाड़ी अपने दे दी, एक गाड़ी उनकी पकड़ा गई है और वो पुलिस को थमा दी गई है। हमारे हॉस्पिटल के 3 जूनियर्स को, एक को पेट में चाकू लगा है, एक को सीने में चाकू लगा है और एक के पीठ पे चाकू लगा है। जैसे मैं यहाँ आया तो यह भीड़ मची हुई थी, कुछ लड़के यहाँ से भाग रहे थे गाड़ियों पर, मैंने उनको भागते हुए देखा तो 3 लोगों को जो हमारे जिन्होंने चाकू लगा है उनको यहाँ देखा मैंने, उनको सीधा मैं कैजुअल्टी ले गया हूँ। और साथ में एक लड़का और एक गाड़ी यहाँ पकड़ में आ गए थे, उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। होटल नंबर 1 के सामने थे, वहाँ पर कुछ लड़के स्थानीय, कुछ लड़के भी एकत्रित थे, उन दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी होने के दौरान दोनों में मारपीट हुई और इस दौरान किसी लड़के द्वारा चाकू से भी यहाँ मारपीट की गई है। जिन लोगों को चोटें आई हैं वो अभी मेडिकल कॉलेज में उपचाररत हैं और कोई गंभीर चोट किसी को आना डॉक्टरों के द्वारा नहीं बताया गया है। जबलपुर के गढ़ा इलाके में शुक्रवार की रात रामायण मंदिर के पास एक युवक को कुछ लोगों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। वारदात की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। काम से लौटे थे तो 2-3 लड़के आए जी, साथ में तनुज और दिया बाती है, और तो ये हम जा रहे थे घर, तो ये लोग आए मारन लगे चक्कू वक्कू। चाचा जी हमारे वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते रहते थे, तो आज उनकी गाड़ी वहाँ से किसी ने उठवा दी, मतलब अलग करवा दी। वो मजदूरी का काम करके अपने घर आ रहा था, रामायण मंदिर के पास मोड़ तालाब के सामने, उसका एक मुंह बोला चाचा है सोनू उर्फ राहुल स्मिथ रॉबर्ट, जो अपनी बस को चलाता है और बस लाके वहाँ खड़ा करता है। इस बात पे से कई लोगों को एतराज होता है, जिस पर से कल भी इनका विवाद हुआ था, शायद ऐसा बताया उसने। उसी बात पर से तरुण और बाती नाम का मोहल्ले का लड़का राकेश अहरवार को मिला और गाली गुफ्तार करते हुए उसने उसको जो है चाकू जैसी नुकीली चीज़ से मार दिया, जिस पे अपराध क्रमांक 841 पंजीबद्ध किया जा चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।